हमीरपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस से मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाशों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों में से 2 बदमाशों पर 15-15 हज़ार का इनाम घोषित था। BTC की छात्रा और उसके परिजनों से घर में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की थी। और आपको बता दें कि हमीरपुर से ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जवाबी फायरिंग में ये बदमाश हैं, वो घायल हो गए हैं। गोली पैर में लगी है दोनों बदमाशों की। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों में से 2 बदमाशों पर 15-15 हज़ार रुपये का इनाम भी पहले से घोषित था। BTC की छात्रा और उसके परिजनों से घर में घुसकर इन बदमाशों ने मारपीट की थी, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 घायल हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी सद्दाम हुसैन। सद्दाम, क्या पूरा मामला था? दीपक जी, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये जनपद के जरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पर बदमाशों का एक गैंग सक्रिय है, जैसे बिच्छू गैंग कहते हैं। इसके गैंग में जनपद व गैर जनपद के सैकड़ों लड़के सक्रिय हैं, जो आए दिन लूटपाट, चोरी, डकैती, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी गैंग के करीब एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने महज कुछ दिन पूर्व 6 जनवरी को जरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में BTC की छात्रा है उसके साथ छेड़छाड़ की थी। और जब परिजनों ने इसका विरोध किया था, तो इन बदमाशों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, फायरिंग भी की थी। इसी घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने करीब 4-5 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया था और उनको जेल भेजा था। तो वहीं आधा दर्जन से अधिक बदमाश फरार चल रहे थे। इसी गैंग से पुलिस की बीती रात मुठभेड़ हुई है, जिसमें करीब 6 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। चूंकि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई थी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जिन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, इन दोनों पर 15-15 हज़ार रुपए का भी पुलिस ने इनाम घोषित किया था। जी, शुक्रिया आपका सद्दाम हुसैन। और ये पूरा मामला एक छात्रा को छेड़छाड़ को लेकर था, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।